नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अगस्त, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानें बिहार में क्या है इसकी खास तैयारी। राज्य में टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम होगा लागू। आज से गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए करें आवेदन। 45,000 गांव में कराया जाएगा जमीन का सर्वे। बिहार में बारिश का अलर्ट, कैमूर रोहतास में भारी बारिश की संभावना। YouTube पर वीडियो देखने के साथ ही गेम खेलने का भी मिलेगा मजा। ICC रैंकिंग्स में रोहित शर्मा का दबदबा। अब खबरें विस्तार से। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जाने बिहार में क्या है इसकी खास तैयारी। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। बिहार में भी इस अवसर पर खास तैयारी की गई है। आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। साथ ही इस दौरान कई खास कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। इस दौरान 12 विभाग की झांकी और 19 टुकड़ी परेड में भाग लेंगे। बिहार में आज हर जगह जगह पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है। गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह के दौरान CM नीतीश और कई VIP लोग पहुंचेंगे। ये सभी VIP लोग फ्रेजर रोड पर डाक बंगला चौराहा से JP गोलंबर के रास्ते गांधी मैदान आएंगे। न्यू डाक बंगला रोड से SP वर्मा रोड तक VVIP वाहनों के अलावे और किसी वाहन को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से गांधी मैदान के आसपास की सड़कों पर सुबह 7 बजे से समारोह खत्म होने तक आम वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। आज इस राजकीय समारोह में करीब 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। आम लोग गेट नंबर 4, 5, 6 और 7 से गांधी मैदान में प्रवेश करेंगे। गांधी मैदान में करीब 128 CCTV कैमरे सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। इंडियन बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंडियन बैंक द्वारा 300 पदों पर लोकल ब्रांच ऑफिसर्स के लिए भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर कॉल कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन पास किया हो और आपकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के तहत होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू। आज से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपके पास सुनहरा अवसर है। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा योग्यता के आधार पर ये पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार पाने के इच्छुक लोगों के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। आवेदन करने वाले व्यक्ति को 3 कोटी में रखा गया है। इसमें प्रथम श्रेणी देसी गाय भैंस पालन करने वाले प्रगतिशील किसान, दूसरी श्रेणी उत्तम डेयरी समिति दूध उत्पादक कंपनी डेयरी कृषक उत्पादक संस्था हो, तीसरी श्रेणी उत्तम कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन शामिल है। इस पुरस्कार को पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। गर्व की बात, बिहार के 5 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। इस बार 15 अगस्त के अवसर पर बिहार के 5 पुलिसकर्मी सम्मानित किए जाएंगे। इस सूची में झारखंड के 7 पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं। राष्ट्रपति के हाथों गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों में स्वर्गीय आशीष कुमार सिंह को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। वही दुर्गेश कुमार यादव, रोहित कुमार रंजन, अक्षय कुमार और विजेंद्र कुमार को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। वही ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह को और DSP राजेश कुमार वर्मा को लोक सेवा पदक यानी PSM अवार्ड मिलेगा। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण के बारे में। पूर्वी चंपारण बिहार का एक जिला है जिसका मुख्यालय मोतिहारी में है। यह जिला अपने कई ऐतिहासिक कहानियों के कारण लोगों के बीच प्रसिद्ध है। ये वो स्थान रहा जहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यहाँ पर कई ऐसे जगहें हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। इसमें बौद्ध स्तूप, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है, गांधी संग्रहालय, जॉर्ज ऑरवेल स्मारक, अशोक स्तंभ,
चंपारण सत्याग्रह, शताब्दी पार्क आदि शामिल है। आप चाहें तो इन जगहों को पूर्वी चंपारण में एक्सप्लोर कर सकते हैं। राज्य में टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लागू। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जो वाहनों की जांच करेगी और आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर ई चालान जारी करेगी। बता दें, एनएच के टोल प्लाजा से होकर गुजरने वाले वाहन अब फास्ट टैग के संपर्क में आएंगे। तस्वीर सहित वाहन से संबंधित सारा डाटा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। इसके बाद इस डाटा का NIC के वाहन पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान करवाया जाएगा। इसमें कमी पाए जाने पर वाहन मालिकों को ई चालान जारी किया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इससे टैक्स एवं अन्य डिफॉल्टर वाहनों की संख्या में कमी आएगी। राज्य को मिलेंगे 2 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला। राज्य को मिलेंगे 2 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 2 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इस स्थापना के लिए कुल 13,66,50,752 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बता दें, इन दोनों संस्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर पारामर्शी के रूप में काम करेगा। वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना में साइबर फॉरेंसिक इकाई स्थापित हो जाने से साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं की जाँच समय से हो सकेगा। वही क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साइबर फॉरेंसिक इकाई स्थापित हो जाने से प्रदर्शों की जांच के साथ साथ प्रशिक्षुओं को साइबर फॉरेंसिक संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दी जाएगी। नहीं रहे प्रसिद्ध चित्रकार गोदावरी दत्त। मिथिला चित्रकला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार और पद्म श्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध शिल्पकार के निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी उनके निधन पर शोक जताया। सीएम ने लिखा कि गोदावरी दत्त जी ने मधुबनी पेंटिंग को देश विदेश में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके निधन से कला एवं संस्कृति क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। 45,000 गांव में कराया जाएगा जमीन का सर्वे। बिहार में जमीन सर्वे कराने की तैयारी पूरी हो गई है। 20 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन का सर्वे शुरू हो जाएगा। नीतीश सरकार ने 177 तरह की इंडेक्स की सूची बनाई है, जिससे जमीन की पूरी जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि 45,000 गांव में जमीन का सर्वे कराया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद अगर आपको पता लगता है कि आपकी जमीन किसी और के नाम पर दिखाई दे रही है, तो वहीं से आप ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम ऑब्जेक्शन में सुनवाई होगी। उस वक्त भी आप अगर चाहें तो आपके परिवार का कोई सदस्य बिहार में हो तो अपना पक्ष रख सकता है। YouTube पर वीडियो देखने के साथ ही गेम खेलने का भी मिलेगा मजा। अभी तक आपने YouTube का इस्तेमाल वीडियोज, मूवी देखने या गाना सुनने के लिए किया होगा, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पर गेम भी खेल सकते हैं। जी हाँ, YouTube ने एक ऐसा ही नया फीचर रोल आउट किया है। YouTube का ये नया फीचर प्लेलिस्ट है, जिसे Android, iOS और वेब प्लेटफॉर्म पर भी रोल आउट किया जा रहा है। YouTube के इस गेम फीचर से यूजर्स के एंटरटेनमेंट का तरीका भी बढ़ेगा। ये फीचर आपको फ्री टू प्ले लाइट गेम्स ऑफर करेगा। यहाँ पर आपको 75 से भी ज़्यादा गेम्स मिल जाएंगे। अब प्रतिदिन 3 बार होगी पेयजल की आपूर्ति। बिहार के गांव के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अब सरकार ग्रामीण इलाकों में 3 बार पानी की सप्लाई करेगी। बता दें, प्रधान सचिव पंकज कुमार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि शीत ऋतु में प्रतिदिन 7 घंटे पेयजल आपूर्ति होगी और शेष 6 माह 6 घंटे बिजली आपूर्ति होगी। बता दें, पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित हर घर नल का जल की 70,157 योजनाएं PHED को हस्तांतरित हो चुकी है। 28 जिलों के 58,003 वार्डों में इन योजनाओं का संचालन हो रहा है। बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। बिहार में अब किसान उत्पाद संगठन भी खाद बीज कृषि उत्पाद की बिक्री कर सकेंगे। इस व्यवसाय को उन पंचायत को बढ़ावा दिया जाएगा जहां पैक्स नहीं है। सहकारिता विभाग ने FPO को खाद बीज और कृषि उत्पादों के व्यवसाय के लिए निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है और इसके तहत विभाग अब तक 300 FPO का निबंधन करा चुका है। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि FPO यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक समूह होता है जो अपने
अपने क्षेत्र में फसल उत्पादन से लेकर खेती किसानी से जुड़ी तमाम व्यवसायिक गतिविधियां भी चलाता है। द केरला स्टोरी के स्टार अदा शर्मा का खुलासा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर रहने वाली अदा शर्मा ने एक बड़ा खुलासा किया है। बता दें, द केरला स्टोरी स्टार अदा शर्मा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहती हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान अपने नए घर के बारे में बात की। उनका बयान अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। बता दें कि अदा शर्मा ने कहा कि वे इस घर में किराए पर रहती हैं, उन्होंने ये घर जो है खरीदा नहीं है। साथ ही सुशांत सिंह के बारे में भी बात कर रही हैं। इसका वीडियो खूब देखा जा रहा है। बिहार में बारिश का अलर्ट, कैमूर रोहतास में भारी बारिश की संभावना। बिहार में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी कई जगहों पर झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कैमूर और रोहतास जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर में भी रैपिडो की बाइक टैक्सी शुरू। पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी रैपिडो की बाइक टैक्सी की सेवा शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में मुजफ्फरपुर सहित दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, वैशाली, सारण, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिला में बाइक और टैक्सी कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। वही द्वितीय फेज में कुल 25 जिलों में शुरू होगी। इस ऐप को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इन टिप्स को अपनाएं और उमस से निजात पाएं। इन टिप्स को अपनाकर आप कूलर के साथ गर्मी और उमस से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। कूलर को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखें, इसे कमरे के बीच में रखें ताकि ये सही से हवा खींच सके और उमस ना बढ़े। कूलर में हमेशा सामान्य या ठंडा पानी भरें। गर्म पानी से कूलर गर्म हवा फेंकता है जिससे उमस बढ़ सकती है। कूलिंग पैड या घास को पहले से पानी में भिंगो कर रखें, इससे कूलर तुरंत ठंडी हवा देगा और कमरे की उमस जो है कम हो जाएगी। तो इन टिप्स को अपनाएं और उमस से निजात पाएं। यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने भागलपुर और मालदा टाउन से दिल्ली के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बता दें, मालदा से प्रत्येक रविवार और गुरुवार को जबकि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को भागलपुर से ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने बताया कि मालदा और भागलपुर स्टेशनों पर दिल्ली के लिए यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें, मालदा से 15 और 29 अगस्त को ये ट्रेन रवाना होगी। वहीं भागलपुर से 17 और 31 अगस्त के बीच ये ट्रेन चलेगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कड़ा एक्शन। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने एक कड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि मंत्री मदन सहनी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी फलका पामेला टूडू, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कदवा शबनम शिला गुड़िया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मनिहारी और मानसाही संगीता मिंकी समेत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS किसले शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। आगे अन्य जिलों में भी जांच की जाएगी, किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कटिहार में जांच की गई थी, जिसमें इन अधिकारियों के खिलाफ काम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी, जिसको देखते हुए इन पर एक्शन लिया गया है। बिहार के दो राज्यसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बिहार में दो सीटों पर राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव होना है। बता दें कि विवेक ठाकुर और मीसा भारती की लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी। इन सीटों पर आज से नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि अभी तक इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी। 22 अगस्त को स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी और 27 अगस्त तक नाम वापसी का समय दिया गया है। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगा। इस दौरान पूरी चुनाव प्रक्रिया कर ली जाएगी। राम जतन सिन्हा ने थामा कांग्रेस का दामन। बिहार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता राम जतन सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया।
बता दें नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन, बिहार कांग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। बता दें राम जतन सिन्हा पहले कांग्रेस में ही थे, बाद में वे जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि जेडीयू से उन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था। राम जतन सिन्हा ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आईसीसी रैंकिंग में रोहित शर्मा का दबदबा। आईसीसी की ओर से वनडे की ताजा रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि ताजा रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाजों की सूची में भारत के 3 खिलाड़ियों ने कब्जा जमाया है। बता दें इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर बाबर आजम है, दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा, तीसरे स्थान पर शुभमन गिल और चौथे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं। इतनी ही रेटिंग के साथ आयरलैंड की हैरी ट्रैक्टर भी है जो 746 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर है। छठवें स्थान पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, सातवें स्थान पर डेविड वार्नर, आठवें स्थान पर श्रीलंका के पथुम निसंका, नौवें स्थान पर इंग्लैंड के डेविड मलान, दसवें स्थान पर अफ्रीका के रॉसे वंडर डुसेन मौजूद हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, जिसके बाद हर साल आज ही के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिलों में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का निर्णय लिया था। आज ही के दिन वर्ष 1854 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली के बीच 37 किलोमीटर की दूरी में पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत में 8.6 की तीव्रता वाले भूकंप में 20,000 से 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज ही के दिन वर्ष 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड लागू किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। आज ही के दिन वर्ष 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद भवन परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। फ्रॉड मामलों को देखते हुए आरबीआई का सलाह। इन दिनों इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बता दें आप चेकबुक को हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखें, चेकबुक के अंदर चेकबुक को गिनकर रखें। अगर चेक में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बैंक में जाकर संपर्क करें। खाली चेक पर कभी दस्तखत करने से बचें। चेक को क्रॉस कर दें ताकि उसका गलत इस्तेमाल कोई नहीं कर पाए। चेक देते समय चेक नंबर और तारीख दर्ज करें। चेक में बदलाव से बचें। चेक पर लिखने के लिए हमेशा आप अपने पेन का इस्तेमाल करें, तो इस तरह से आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। रोजगार संगम योजना के तहत बिना परीक्षा के सीधी भर्ती का किया जा रहा है दावा। टोटल जॉब नाम के एक YouTube चैनल के वीडियो थंबनेल में केंद्र सरकार को लेकर झूठा दावा किया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार रोजगार संगम योजना 2024 के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बिना परीक्षा सीधी भर्ती के अलग अलग विभागों में नौकरी दे रही है। लेकिन आपको बता दें ये खबर पूरी तरह फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। PIV फैक्ट ने भी इसे फर्जी बताया है। अनंत सिंह को AK-47 केस में मिली राहत। बिहार के मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है। बता दें अनंत सिंह के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग में नहीं है। अनंत सिंह अब अगले 2 दिनों के अंदर जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें अनंत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। वही राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अनंत सिंह की जमानत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि माननीय न्यायालय के फैसले पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सवाल तो उठेगा ही। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमला किया। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, ऑप्शन बी है 10 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 अगस्त और ऑप्शन डी है 12 अगस्त। इसका सही आंसर होगा 10 अगस्त। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME के लिए
IACC के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में किसी लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाड्रो अल्ला कैरियस अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है आमिर खान और ऑप्शन डी है शाहरुख खान। इसका सही आंसर होगा शाहरुख खान। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए है संथाली, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है मैथिली और ऑप्शन डी है भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा उर्दू। बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1939, ऑप्शन डी है 1941। इसका सही आंसर होगा 1937। इतने दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है राजीव कुमार, नूनू गोलू कुमार, पशुपति पांडे, मंजीत कुमार, पंकज कुमार दास, सादुल्लाह पलवी, गुनर शर्मा, उमेश ऋषिदेव, पवन सिंह, विनय कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके इलाके में नल जल योजना कितना सफल है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।